हमारे साथ इस समय जुड़ चुके हैं नेशनल कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष और जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री फारूक अब्दुल्ला। फारूक अब्दुल्ला साहब, सबसे पहले आज तक से बातचीत करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अभी थोड़ी देर पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्र को संबोधित किया और अपने संबोधन में उन्होंने कहा कि तीनों कृषि कानून वापिस लेगी सरकार। क्या कहेंगे आप इस पर? मैं समझता हूँ देर आयत दुरुस्त आयत, बेटर लेट देन नेवर, बहुत अच्छा हुआ। सारे किसान एकजुट हो गए थे और ये अच्छा किया कि ये कानून वापस हुआ और जो नए कानून बने उनमें इनसे बात की जाए और फिर वो कानून बनाया जाए। ठीक है फारूक साहब, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यह भी कहा कि वो समूचे देश से माफी मांगते हैं कि वो इन कृषि कानूनों के बारे में कन्विंस नहीं कर पाए किसानों को। ये कृषि कानून उनके वेलफेयर के लिए थे लेकिन वो उनको कन्विंस नहीं कर पाए, वो माफी मांगते हैं। मैंने आपसे कहा ना, बहुत अच्छा हुआ तुमने ये किया है। मैं उम्मीद करूंगा कि वो कश्मीर के बारे में भी ऐसे ही सोचे। मतलब जो इन्होंने कानून यहाँ पे लागू किया है ये स्टेटहुड को बहाल करें और बहुत जल्दी बहाल करें और 370 को वापस करें। अच्छा, यहाँ भी फिर उससे हो सकता है यहाँ भी अमन आएगा। तो आप चाहते हैं कि जिस प्रकार कृषि कानून वापस लिए गए हैं उसी प्रकार 370 जो हटाया गया है उसको दोबारा बहाल किया जाए, क्या आप ये चाहते हैं? बिल्कुल, उनके करना चाहिए और स्टेट को वापस करना चाहिए। अच्छा, यूनियन टेरिटरी को हटाना चाहिए और स्टेटहुड बढ़ाना चाहिए जल्दी से। अच्छा फारूक साहब, अभी जो विंटर सेशन ऑफ पार्लियामेंट है उसमें जो है ये प्रक्रिया शुरू होगी कि इन तीनों कानूनों को जो है वापस लिया जाएगा, तो क्या लगता है सभी जो लीडर्स हैं इसका साथ देंगे? वो तो स्वाभाविक है, ऑपोजिशन ने जिस प्रकार सरकार पे भी दबाव डाला था, तो क्या जो विंटर सेशन का जो अभी शुरू होने वाला है पार्लियामेंट में वो सुचारू रूप से अब चलेगा? आप चाहते हैं पार्लियामेंट में सारे करता हूँ क्योंकि पार्लियामेंट डिबेट और डिस्कशन के लिए है, शोर और हंगामा करने के लिए नहीं है। मैंने तो हर वक्त यही कहा है कि पार्लियामेंट में इंसान अपना मुद्दा रखना चाहिए और जो है सरकार है उसका जवाब देनी चाहिए। यानी कि आप तभी चाहते, ये पार्लियामेंट चलेगी, नहीं तो पार्लियामेंट नहीं चलेगी। यानी कि आप चाहते हैं कि ऑपोजिशन को अब हंगामा नहीं करना चाहिए पार्लियामेंट? मैं समझता हूँ दोनों तरफ से ताली एक हाथ से नहीं बजती है, दोनों तरफ से जो है अपोजिशन और गवर्नमेंट दोनों को ये समझना चाहिए कि इस देश को अगर हमने चलाना है और अच्छी तरह से चलाना है तो हम लोगों ने लोगों की बात सुननी है और उसका जवाब देना है। इसीलिए तो हमने भी जो तीन कानून ने पास किए थे, हमने इनसे कहा था कि जल्दबाजी में कर रहे हैं, इसको सिलेक्ट कमेटी में भेजिए। नहीं माना। आज देखिए इतने मरने के बाद और इतने तूफान उठाने के बाद और कितनी कितनी मुसीबतें नहीं उठाई किसानों ने, हमने वो वापस लिया। फारूक साहब, अभी जो किसान आंदोलन कर रहे हैं चाहे दिल्ली के सीमाओं के आसपास, आप क्या उनसे अपील करेंगे कि वो अब घर चले जाएं? मैं उनसे कहूंगा अभी जल्दी से घर ना जाए, पहले पार्लियामेंट में ये क्लियर हो जाए उसके बाद वो आराम से घर जाए। ठीक है फारूक साहब, क्या लगता है आपको एकदम सरकार ने अपना मन कैसे बदल दिया? क्योंकि सरकार ने तो कहा था कि कुछ भी हो जाए वो कानून वापस नहीं लेंगे। हाँ, अमेंडमेंट्स अगर इसमें बदलाव किसान चाहते हैं वो करवाने के लिए तैयार हैं, तो अभी क्या कहेंगे आप एकदम से मैं सरकार? ये कहूंगा कि आपने सुना होगा जो हमारे यहाँ पूर्व गवर्नर थे सतपाल मलिक जी, उन्होंने कहा था, अभी कल ही कहा था उन्होंने कि ये तीनों पांचों रियासतों में जहाँ इलेक्शन होने वाला है वहाँ ये बीजेपी हार जाएगी। मैं समझता हूँ एक ये भी मकसद होगा कि ये देख रहे हैं कि इनकी हार होगी और उसको बचाने के लिए इन्होंने ये वापस ले लिया है। अच्छा ठीक है, धन्यवाद फारूक साहब आज तक से बातचीत करने बहुत के लिए। बहुत मेहरबानी।